अच्छा निधि, तुम्हें किसी श्राप के बारे में पता है? श्राप? जब मैं गांव में थी तो मैंने उसके बारे में बहुत सुना था, और मेरे नाना जी आपके बेटे को बचाना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। निधि, क्या तुम्हें किसी अंबिका नाम की लड़की के बारे में पता है? तुम्हारे नाना जी ने मरते वक्त अंबिका का नाम लिया था। मैं एक अंबिका को जानती हूँ, वो दुर्गापुर जागीर में जो हमारा मंदिर है उनके ट्रस्टी की बेटी है। और क्या जानती हो तुम अंबिका के बारे में? और कुछ कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ, कहते हैं बहुत ही शुभ घड़ी में पैदा हुई थी वो। उस समय ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र सब एकदम सही था। पूर्ण मासी के दिन पैदा हुई थी वो। मेरे नाना जी ने ही उसका नाम रखा था अंबिका। माँ भगवती की कृपा है उसमें। कहते हैं कि वो कुछ शक्तियाँ लेके पैदा हुई थी, लेकिन उसकी वो शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण मासी के दिन काम करती हैं। पंडित जी ने अगर उसका नाम लिया था तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या पता वो इस श्राप से राहुल को मुक्त कर सकती हो। मैं पूरी अपना फोन तो यही भूल गई। हेलो, हेलो अमिका जी, लाखन ठाकुर बोल रहे हैं। अरे हमको थोड़ा देरी हो गया आने में एयरपोर्ट, तो कहाँ पे हैं आप? अंबिका, अभी अभी आपने अंबिका का नाम लिया ना? जी, आप? जी मैं मानवी सब्रवाल हूँ। मैंने अंबिका को पटना एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ बेगूसराय में ड्रॉप किया था, और शायद उनका फोन गलती से मेरी गाड़ी में छूट गया। और ये वही अंबिका है ना जिनमें अलौकिक शक्तियाँ जो पूर्णमासी की रात को। जी लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं भी दिल्ली से यहाँ अंबिका जी को ही मिलने आई हूँ। मैं अभी के अभी बेगूसराय वापस आ रही हूँ। ठीक हो? बिल्कुल। राहुल तुम यहाँ कैसे? जा मानवी वहां में। मानवी? तो तुम राहुल हो, द रॉक स्टार? हाँ ये मेरे पति हैं, और हम यहाँ आप ही की तलाश में आए थे। दुर्गापुर जागीर के मंदिर के पुजारी जी ने हमें आपके बारे में बताया। ओह, पुजारी जी ने भेजा? फिर तो कोई गंभीर समस्या होगी। आप ठीक है, हम तुम दोनों की मदद जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें लाखन ठाकुर के साथ जाना होगा। लाखन, तुम ही सोचो, अगर किसी डुब्बा में इतनी शक्ति होती कि वो लोगों की जान ले सकता, तो फिर क्या उसे किसी रस्सी या जाल की जरूरत पड़ती? तो आपके कहने का मतलब है कि डूबा नहीं, कोई इंसान। अब बता सकती हैं कि वो कौन हो सकता है? तुम्हारा कोई दुश्मन। अंबिका जी, का अपनी शक्तियों से आप बता सकती हैं कि कौन है? इस बात की भविष्यवाणी करना तो हमारे लिए भी नामुमकिन है, लेकिन एक बात हम तुम्हें जरूर बताना चाहेंगे। आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। इतना खतरनाक कि तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिट सकता है। शाबाश। हम तो आ गए, पर लाखन ठाकुर ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। हमने उन्हें अंबिका से मिलने से रोकने की बहुत कोशिश की। जाओ, जाकर अपने आदमियों से बोलो कि तैयार हो जाने के लिए। गुड्डी तो मरी चुकी है। अब जितने भी लोग बचे हैं ना, उनके मरने का समय आ गया है। जलगार कर पूरे बेगूसराय के ठाकुरों के विध्वंस का।